नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौर यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एडवोकेट राज राठौर। फ्रेंड्स, क्या आपका न्यूली एडमिशन हुआ है लॉ में और आपको नहीं पता है कि आखिर कैसे मूट कोर्ट के फाइल बनाई जाती हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक बेस्ट मूट कोर्ट की फाइल बना सकते हैं, कैसे आप मूट कोर्ट की तैयारी जो है कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट की हेल्प के लिए बताने वाला हूँ कि मूट कोर्ट की फाइल कैसे बनती है, उस फाइल के कंटेंट क्या क्या होते हैं, मूट कोर्ट कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि मूट कोर्ट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मूट कोर्ट का मतलब होता है एक आभासी कोर्ट, एक प्रैक्टिस के लिए कोर्ट, जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि कोर्ट जो है, एक्चुअल कोर्ट जो है वो किस प्रकार से दिखेगा, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। जब आप एक्चुअल कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाएंगे, असल कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाएंगे, तो आपको किस तरीके से वहाँ बोलना है, किस तरीके से आपको अपनी बात को रखना है, ये सारी चीज़ें मूट कोर्ट में सिखाई जाती हैं। और मूट कोर्ट एक आभासी कोर्ट होता है जिसमें आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने से पहले ही कोर्ट में प्रेजेंट होने की तैयारी करवा दी जाती है, इसे ही मूट कोर्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, मूट कोर्ट की शुरुआत होती है एक केस लॉ से। आपको कोई भी एक केस लॉ दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको या तो उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और वो आपको मूट कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं। आपका आपने अगर उसके फेवर में कुछ चीज़ें तैयार की है तो आपका विरोधी जो है उसके विरोध में, उसके विपक्ष में कुछ चीज़ें तैयार करेगा और आपके सामने आर्ग्यूमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, यही होता है मूट कोर्ट। तो चलिए देखते हैं कि मूट कोर्ट की फाइल कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, मूट कोर्ट की फाइल का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है कवर पेज, और ये कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। इस कवर पेज में आप जो है किस कोर्ट में फाइल पेश कर रहे हैं वो लिखा जाता है, और उसके बाद में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का नाम लिखा जाता है। साथ ही साथ ये लिखा जाता है कि आप किसकी तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पॉइंट है टेबल ऑफ कॉन्टेंट का। आगे के पेज में आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स लिखेंगे, जिसमें आपने फाइल में क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या कंटेंट है आपकी फ़ाइल में, उसको इंडेक्स करके लिखेंगे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पेज होता है टेबल ऑफ एब्रिविएशन का। इसके अंदर आप वो सारे एब्रिविएशन लिखेंगे जिनका प्रयोग आपने अपनी फाइल के अंदर किया है, और उन एब्रिविएशन का पूरा मतलब आप इस पेज के अंदर समझाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगला पेज होता है इंडेक्स ऑफ ऑथोरिटीज़ का। इस इंडेक्स ऑफ ऑथोरिटीज़ में आपको वो सारी ऑथोरिटीज़ लिखनी है जिनका प्रयोग आपने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्टिव बनाने के लिए किया है, जिनकी वजह से आपके आर्ग्यूमेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उनको लिखना है। इसके अंदर आपके हाई कोर्ट के कोई जजमेंट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो सकता है, या फिर किसी फॉरेन कोर्ट का कोई जजमेंट हो सकता है, या पार्लियामेंट्री डिबेट के कुछ भाग हो सकते हैं, या फिर आपने जिन बुक का प्रयोग किया है, जिन टेक्स्ट बुक का प्रयोग किया है उनको आप लिख सकते हैं, फिर आपने जिन लॉ जनरल को पढ़ा है, जिन लॉ जनरल का रेफरेंस दिया है उनको लिख सकते हैं, वेबसाइट जो आपने विजिट की है इन रिसर्च के दौरान, उसके अंदर का कोई कंटेंट लिया है तो उन वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंडेक्स ऑफ ऑथोरिटीज़ में लिखी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगला पेज होता है स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन का। स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन के पेज में आपको जो है कोर्ट का जुडिक्शन लिखना है, किस कोर्ट के अंतर्गत ये जो मैटर आपने बनाया है वो आता है, उस कोर्ट का नाम लिखना है। इसका मूट कोर्ट में कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल फाइल को बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन ज़रूर लिखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगला पेज होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आपको उस केस के सारे फैक्ट लिखने हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस केस के, उसको आपको पॉइंट वाइज करके इसके अंदर आपको लिखने होते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पेज है वो होता है इश्यूज राइज्ड का। इसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ लॉ के जो भी सवाल बनते हैं इस केस में वो लिखने होते हैं, और उनके ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट वगैरह करनी होती है, इन इश्यूज़ का आंसर करते हुए आपको अपनी आर्ग्यूमेंट तैयार करनी होती है। ये जो इश्यू राइज्ड होते हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, ये इसकी खास बात होती है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इश्यूज होते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में और शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें।
तो फ्रेंड्स अगला पेज आता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर आपने जो भी आर्ग्यूमेंट मूट कोर्ट में दिए हैं उन सब का शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए, उन सब की समरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट्स लिखकर आ जाते हैं, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने हैं, वहाँ पर समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी दिए हैं, आपने आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगला पार्ट आता है आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड। ये पार्ट जो है किसी भी मूट कोर्ट का, किसी भी मूट कोर्ट मेमोरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरीके से ये मेमोरियल की जान होती है। इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं विथ रेफरेंस देने हैं, और प्रेसिडेंट केस लॉ वगैरह, केस लॉ वगैरह वो सारे देने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो इसके अंदर आपको आपके केस की जो है मजबूती आर्ग्यूमेंट एडवांस दिखाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर करना होता है। सो फ्रेंड्स नाउ कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द मेमोरियल। और फाइनल पार्ट किसी भी मेमोरियल का होता है प्रेयर। इसके अंदर आपको, आप जो है कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं, आप अपने क्लाइंट के पक्ष में क्या फैसला चाहते हैं, वो सारा आता है। इसे प्रेयर कहते हैं। और प्रेयर में आप जो है वो सारी बातें करते हैं, वो सारी रिलीफ मांगते हैं जो आपको अपने क्लाइंट्स के लिए चाहिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नए हैं आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौर पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए।